हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेडिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारी इस ऑनलाइन क्लासेस में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एमआई सपोर्ट में। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मेल मर्ज पे। जी हाँ, एमएस वर्ड और एक्सेल की कंबाइन की गई मेल मर्ज है, उसके बारे में बात करेंगे। मेल मर्ज हालांकि बहुत सारे लोगों ने यूज किया, लेकिन जब एक दो प्रॉब्लम है जो कि अभी भी व्हाट्सएप पे हमारे किसी व्यूअर ने पूछा है, आपको भी हम बताते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम अपनी स्क्रीन को शेयर कर रहे हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि मान लीजिए कि हमने एक छोटा सा ये बनाता हूं, डियर दिस मंथ योर पेबल अमाउंट टेबल अमाउंट इज प्लीज पे एस एडिका। छोटा सा मान लीजिए मैंने एक लेटर बनाया, मेल बनाया सबको। मुझे मान लीजिए मुझे अपने हर क्लाइंट को मेल करना है। अब बस इसमें क्या है कि हमारा जो डियर के बाद जो नाम है वह नाम आने चाहिए, अमाउंट के बाद अमाउंट आना चाहिए। तो क्या है कि हमारा जो डेटा है जिसमें अमाउंट और नेम वगैरह लिखा हुआ है वो एक्सेल पे बना हुआ है। इसे एक्सेल फाइल पे पड़ा हुआ है। अब मुझे इस एक्सेल फाइल से डेटा लेना है, और जैसे 12 लोग हैं तो 12 अलग अलग लोगों को मुझे मेल करना है। तो कैसे करें? तो इसके लिए मैं सबसे पहले तो हम जाएंगे मेलिंग पे, और यहाँ पे स्टार्ट मेल मर्ज, यहाँ पे ईमेल मैसेजेस को सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे सिलेक्ट रिसिपिएंट में यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट। उसके बाद मैं अपनी एक्सेल फाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, नाम में मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे जो है हमारा डेटा आ गया, इस फर्स्ट रो तक कॉलम हेडर सीट नेम आ गया। अब कभी कभी क्या होता है, इसमें सीट नेम नहीं आता। जी, कभी कभी सीट नेम नहीं आता। यहाँ पे एडिट लिखने जाके देखिए, तो क्या है कि आपके पास जो एक्सेल का एक्सटेंशन है, अगर एक्सटेंशन में प्रॉब्लम हुई तो ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। देन ओके कीजिए। अब मैं यहां पे इंसर्ट फील्ड में आता हूं, नेम को ऐड करता हूं, और यहां पे मैं ऐड करता हूं किसको, ईमेल अमाउंट। अब मान लीजिए मुझे मेल करना है, तो फिनिश मेल मर्ज में यहां पे मैं सेंड ईमेल पे क्लिक करूंगा और अपने ईमेल को पूरे को इसको सेंड कर दूंगा, चला जाएगा। जी देखिए, जाएगा आउटलुक के जरिए, ध्यान रखिए। बट मुझे देखना है तो आप यहाँ पे एडिट इंडिविजुअली कर दीजिएगा एंड ऑल कर ओके कर दीजिए, तो सबके नाम की देखिए पूजा आ गया, अमाउंट आ गया, ऐसे ही हर किसी का अलग अलग लेटर खुल के चला जाएगा। तो मेल भी हर किसी को इसी तरह से अलग अलग आउटलुक के जरिए चला जाएगा। ये मेल मर्ज का फीचर, लेकिन ध्यान रखिएगा एक्सेल की फाइल जो है, आप अगर डॉट एक्सेलएस पे है तो डॉट एक्सेलएस एक्स पे है तो डॉट एक्स का रखिएगा, और आपका जो डेटा है डेटिंग डेटा का स्टार्टिंग जो फील्ड है, तो स्टार्टिंग फील्ड आपका होना चाहिए रो, स्टार्टिंग रो जो होना चाहिए, स्टार्टिंग रो में नहीं है तो दिक्कत होगा, तो इसका ध्यान आप लोग रखिएगा। तो वीडियो कैसा लगा मुझे लाइक कीजिएगा, बताइएगा कमेंट करके। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और कभी भी कोई क्वेश्चन हो तो मुझे व्हाट्सएप पे या फोन पे मुझसे पूछ सकते हैं। साथ में हमारी लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो iptindia.com पे जाइए और लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियोज में एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।